हेलो फ्रेंड, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलती हूँ ना, देरी करते हुए बहुत जबरदस्त बनाऊंगी। तो ये 3 केले मैंने पके हुए ले लिए हैं, तो इसको थोड़े बची गए थे, खा नहीं रहे बच्चे, तो मैं सोच रही हूँ चलो रेसिपी इसकी बनाने के लिए, तो इस तरीके से सारे छिकल हटा देने हैं और केले को रख देना है इस तरीके से। तो केले काट लिए हमने ये, और अब ये मिक्सी जार लिया है और इसमें सारे डाल लेना है। इसे पीसना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही बारीक। केले हमने बारीक पीस लिया है, बिल्कुल महीन स्मूथ सा पीसना था, बिल्कुल ही मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा पीसना था। और ये इसको अब रख देती हूँ साइड में। मैंने 1 कप मतलब लिया है घी, मेल्ट किया हुआ, थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी जितना जरूरत होगा। और ये मैंने कुछ पिस्ता और बादाम क्रश कर लिया है, यानी कट कर लिया है छोटा छोटा। बस थोड़ा सा ही, मतलब इसका कलर नहीं चेंज करना है, थोड़ा ही इसको मतलब इसका कच्चापन हटाना, फौरन निकाल लेती हूँ उसे। ये देखिए बहुत इजीली है, मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल ना बिगड़े, इसलिए ज्यादा अगर इसको भून इसको फ्राई करूंगी तो टेस्ट इसका बेकार हो जाएगा, तो बस हमें निकाल लेना है इस तरीके से। दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए सारे निकाल लिए हैं मैंने, जो थोड़े बहुत बच्चे वो भी निकाल लूंगी, नहीं तो इसमें जो रहेंगे तो हम जो भी अभी प्रोसेस करूंगी ना तो ये जल भी सकते हैं, तो इसलिए ये हमने निकाल लिए हैं साइड में। और थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, और ये मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, गेहूं का आटा है, इससे बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी जो हम बनाएंगे। और ये 1/2 कप ले रही हूँ बेसन, इसका जो इसमें आटे में डालने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा, तो जरूर डालें आपके पास हो, और नहीं हो बेसन तो आटे से भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा ही घी डाला है मैंने और मिला रही हूँ बराबर को, अच्छी तरीके से मुझे मैच करना है। ये देखिए पूरा मैच हो गया है। देखिए आटा हमारा अच्छा भून चुका है, बिल्कुल ही अच्छा खुशबू आने लगी, और कितना ये दानेदार हो गया है, तो इसलिए बिल्कुल ही अब हमें हटा लेना है गैस से। तो ये फिर से पैन रख दिया, और जितना मैंने आटा लिया था उतनी ही ये गुड़ ले रही हूँ। चाहे तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, पर गुड़ में बहुत ही एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, गुड़ उसमें बहुत होते हैं, मतलब पौष्टिक पाए जाते हैं, बहुत विटामिन से भरपूर होता है। पानी बिल्कुल हमें 1 बूंद ही डालना है इसके अंदर, पानी की मात्रा बहुत कम इसके अंदर रखनी है। और ये बहुत ही इजीली ये मेल्ट होने लगती है, तो ये देखिए अभी ये मेल्ट हो जाएगी, फौरन हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस मेल्ट करनी है और फौरन मुझे उतार लेना है। जैसी मेल्ट होगी वैसे ही इसको उतार लेते हैं। अभी मेल्ट हो गई है, कोई हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें ऐसे ही उतार लेनी है। और सेम इस पे पैन रख देती हूँ, और अब इसका प्रोसेस, ये तो आटा अच्छा काफी खुशबूदार भुन गया था, और अब मैं इसमें जो मैंने केले पीसे थे वो इसमें डाल दूंगी। इसमें केले मिलाने हैं,
तो हमें सारे केले उसी आटे में मिक्स कर देने हैं और इजली मिक्स हो जाएगा। ये देखिए सारा मिक्स हो गया है, ये देखिए। और ये बहुत ही परफेक्टली बनने वाली मिठाई है। और अब जो मैंने गुड़ मेल्ट करके रखी है उसे भी छान लेती हूँ। तो ऐसी लोहे वाली छन्नी हो उससे ही छाने, उससे इजीली मतलब छनेगा। अगर प्लास्टिक की हो तो सही नहीं होता, क्योंकि गुड़ ज़्यादा गर्म होती तो प्लास्टिक की छन्नी खराब होने का डर होता है, इसलिए इससे ही छाने। और जो ये एक आध कण होते हैं वो इसमें रह जाते हैं, छन्नी में गुड़ अच्छी मुझको मेल्ट की हुई मिल जाती है। तो इसे भी इसमें मिला लेना है। ये देखिए मीठा अपने हिसाब से ही डालें, कम ज़्यादा खाते हों उस हिसाब से मीठा रखें। फूड कलर तो ये ओरिजिनल है, अगर डालना है तो थोड़ा बहुत ज़रूर फूड कलर डालें। और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि ये कलर मेल्ट हो जाए आसानी से। और ये देखिए इसका मतलब लुक भी चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे डालूंगी इलायची पाउडर और ये डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल मावे जैसी, ये बर्फी या हलवा कुछ भी कहें। और ये डाल रही घी मेल्ट किया हुआ जो बच गया था ना, थोड़ा सा ये वही वाला डाल रही हूँ। और अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। मिल्क पाउडर मैंने जो भी डाला था और इलायची पाउडर, वो सारा दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। और हमें इसे पकाना है जब तक इसमें घी ना छोड़ देता है। तो देखने में इतने दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो इसे थोड़ा सा और चलाती हूँ 5-7 मिनट के लिए। और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़े से लिया है बचा, ये बाद में डालूंगी। तो ये इसको अच्छी तरीके से थोड़ा चलाते रहना है, ये घी रिलीज होने लगेगा ना, फिर इसको उतार लेती हूँ। तो ये देखिए हलवा हमारा तैयार हो गया। चाहे तो इसको हलवे की तरीके से सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ये एक किसी बर्तन में बर्फी का रोल दे सकते हैं, बर्फी जमा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, थोड़ा सा और चलाना है, तो चला लेती हूँ। थोड़ा सा जो उसे मोड़ में बर्फी जमानी है उसमें घी जरूर लगाएं थोड़ा सा, क्योंकि घी से क्या होगा, हमारी जो बर्फी जमेगी अच्छी आसानी से निकल के आएगी। और ये इस तरीके से हमें लगा लेना है और चलती हूँ उसे जमाने के लिए बर्फी को। ये देखिए बिल्कुल हलवे जैसा लग रहा है, पर ये अभी जम जाएगी ये बर्फी। तो ये हलवे के लिए मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखना कितना दानेदार ये बना हुआ है। इस तरीके से हलवे को भी हम हलवे तरीके से खा सकते हैं। तो ये देखिए हलवा हमारा तैयार हो गया, बहुत ही डिलीशियस। और आपको दिखा रही हूँ कितना लुकिंग, कितना अच्छा, कोई भी नहीं कहेगा ये आटे से बनाया गया, इतना बेस्ट ये लग रहा है। बचे हुए केले से बनाया है और केले आप ऐसे जब एक बार खाएंगे बना के ना, तो यही होगा कि हमें बार बार बचाऊं केले और हमें ऐसे ही बनाऊं। बहुत ही परफेक्ट ये लगने वाली ये रेसिपी है। तो ये हमने जमा दिया थाली में और थोड़े से जो मैंने ड्राई फ्रूट क्रश करके रखे थे वो भी इसमें सजा दे रही हूँ। और इसे भी हमें दबा दबा के करना है ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट अंदर चले जाएं और हमारी बर्फी का लुक चेंज हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी लुकिंग आ गई है। इस तरीके से हमें दबा दबा के रखना है और ये थोड़ी देर में इसको सेट करूंगी। करीब इसको आधे घंटे के लिए बाहर रख रही हूँ, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। चाहे तो आप चांदी का वरक भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ रही हूँ। बर्फी हमारी सेट हो गई है तो इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए आसानी से ये कट हो रही है।
ये सेब आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। केले बचे हुए की मिठाई मैंने बनाई है, बहुत ही परफेक्टली है, एक बार जरूर ट्राई करें।